सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संचय के प्रति धर्मशाला स्थित विश्वकर्मा मंदिर में भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया की अध्यक्षता में जल ही जीवन विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया ने कहा कि जल ही जीवन है। वर्तमान में देश में जो जल की समस्या विकराल रूप ले रही है, पानी का जो संकट हो रहा है, इससे जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज पूरे देश एवं महानगर के सभी 10 मंडलों में जनता से आग्रह किया गया है कि जल का संरक्षण ठीक से करें, उसका उपयोग ठीक से हो ताकि जल का संकट ना आने पाए। इस अवसर पर सचिन जायसवाल, विकास राज, राहुल पहलवान, दयानंद शर्मा, अनिल शर्मा, अजय गुप्ता, बबलू गुप्ता, रविन्द्र प्रताप सिंह, राजू, शशांक त्रिपाठी, मोनू खान, आनंद अग्रहरी, चंद्र प्रकाश यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष चिरंजीव चौरसिया ने कहा, अभियान को लेकर के जन जागरूकता कैसे हो, इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन इस विश्वकर्मा मंदिर के प्रांगण में किया गया है। अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में महानगर के महामंत्री श्री अशोकानंद शाही जी है, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी उपाध्यक्षगण हमारे सभी दोनों महामंत्री संचालन में है, श्री शिवानंद सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, ठीक है, सभी सदस्य मंडलों के सभी मंडल अध्यक्ष और पीछे दिखाई दे रहे हमारे जितेंद्र सैनी जी, पार्षद दिल्ली झारखंड से। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पिछड़ा मोर्चा के महानगर के अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद्र गुप्त जी, प्रदेश की मंत्री पिछड़ा मोर्चा ज्योति सोनी जी, महानगर के उपाध्यक्ष और आप सभी पार्टी को जब भी आवश्यकता पड़ती है हमेशा सहयोग करके स्थान दे करके और दिन भर उस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरी अहम भूमिका निभाने वाले महानगर के उपाध्यक्ष आदरणीय दयानंद शर्मा जी। इसके पहले सरकारें वहां पर प्रयास नहीं कर पाती थी कि लोगों को जल की सुविधा मिल सके, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर के विधायक संत योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने प्लानिंग करके बुंदेलखंड में छल की व्यवस्था करके वहां के लोगों को जीवन स्तर सुधारने का मौका दिया। इसी प्रकार आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, अनेक बातों का इतने भी पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जल के संकट है। दिल्ली में भी जो प्रदेश वहां पर भी लोगों को जल की संकट है, पानी पीने का शुद्ध पानी नहीं पाता है। इस नाते गोष्ठी के माध्यम से आप सभी तो जल का जो दुरुपयोग हो रहा है, कैसे जल को संरक्षित किया जाए, कैसे जल को सुरक्षित किया जाए, जैसे घर में टोटी का पानी टोटी खोल देते हैं, पानी गिरता रहता है और जल का दुरुपयोग हो रहा है, जितनी आवश्यकता हो उतनी पानी का उपयोग होना चाहिए। सप्लाई का पानी होता है, अनेक क्षेत्रों में उसी तरह से पानी गिरता रहता है। चिरंजीव चौरसिया, प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा, उत्तर प्रदेश।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म जयंती के दिन तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के अवसर पर जो वर्तमान में देश में जो समस्या विकराल रूप ले रही है, पानी का जो संकट हो रहा है, इससे जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज सुबह से ही पूरे देश में और ख़ास करके हमारे यहाँ गोरखपुर के सभी मंडलों में आज जनता को सचेत करने का कार्यक्रम किया है। जनता से आग्रह किया गया है कि जल का संरक्षण ठीक से करें, उसका उपयोग ठीक से हो, ताकि जल का संकट अपने इस क्षेत्र में ना आने पाए। आज उसी की अवसर पर ये गोष्ठी का आयोजन किया गया है और हम सब गोष्ठी के माध्यम से आज अपने सभी नागरिकों को सचेत करने के लिए यहाँ पे आए हैं और गोष्ठी के माध्यम से उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।